हेलो फ्रेंड्स, मिराज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन तरह की हर्बल टी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं ये लेमन ग्रास टी। अब आप परेशान हो गए होंगे कि लेमन ग्रास कहाँ से मिलेगा, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ये जहाँ पे प्लांट वाली नर्सरी होती है ना, वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाएगा और 30 से 40 रुपए में मिल जाता है। इसे आप गमले में लगा लें इस तरह से और देखेंगे कि एक से दो महीने के अंदर में पूरा गमला ग्रास से भर चुका है। तो अब हम ले लेंगे ये इस तरह से स्टेम ले लेंगे। इसकी पत्तियों को हम नहीं ले रहे हैं और 2 से 3 इंच के टुकड़े में हम इसे लंबाई में ले लेंगे और इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, दिन में कई बार चाय पीते हैं, उनको एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। तो अगर उन्हें एसिडिटी की शिकायत है तो इस हर्बल टी को ज़रूर अपनाएं। देखेंगे कि उनके सेहत में काफ़ी सुधार हो रहा है, तो इस तरह के हर्बल टी को ज़रूर पिएं। और अब हम चलते हैं, ये पैन ले लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 ग्लास पानी और पानी को हम ढक देंगे जिससे कि ये जल्दी से गर्म हो जाए। और तब तक हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। हमने लिया है 4 से 5 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया। इसे हम क्रश कर लेंगे जिससे कि इसके जो फ्लेवर हैं उसमें पानी में आ जाए अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम इसे क्रश कर लेंगे। पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये क्रश किए हुए मसाले डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे और 2 से 3 मिनट हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने देंगे। और जब ये लेमन ग्रास की टी बनती है तो आप देखेंगे कि पूरी रसोई जो है लेमन ग्रास की खुशबू से भर जाता है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सी खुशबू होती है। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गुड़, और हम गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, या तो आप ब्राउन शुगर डाल लें या गुड़ डालें, और ज़्यादा नहीं डालेंगे इसलिए कि नहीं तो जो लेमन ग्रास का फ्लेवर है वो ओवरलुक हो जाएगा। और इसे हम छान लेंगे। इसे हमने 2 लोगों के लिए बनाया है, अब आप इंजॉय कीजिए और इसका टेस्ट तो अमेजिंग है ही। अब हम चलते हैं दूसरे हर्बल टी की तरफ। हम बनाएंगे एप्पल सिनामन टी। इसके लिए हमने 2 टुकड़ा इलायची का लिया, ये लिया है दालचीनी का, 4 लौंग है और 2 सेब हैं। तो सबसे पहले हम सेब को इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे और इसे अब हम हल्का हल्का क्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे, नहीं तो सारे जूसेस निकल जाएंगे। तो हल्का सा ही इसे हमें क्रश करना है। ये टी जो हर्बल टी है एप्पल की, बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट इसका आता है। थोड़ा सी खटास होती है, थोड़ा सा तीखापन होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्लास पानी और अब इसमें हम डाल देंगे दालचीनी को और लौंग को भी, और इसी के साथ हम इसमें ये क्रश किए हुए सारे एप्पल्स को डाल देंगे और इसे लगभग हम इसमें ढक देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और लगभग 5 मिनट हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। और ये देखिए सारे जूसेस निकल चुके हैं। अब इसे हम छानेंगे, तो इसे हम छान लेते हैं। ये अमेजिंग हर्बल टी बनके तैयार है। और जो ये इसका बच रहा है इसको हम चाहे तो जैम बना लेंगे, इसको हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा हम इसमें गुड़ का टुकड़ा डाल देंगे और जो ये हल्की सी इसकी खटास है और लौंग की जो तीखापन है, बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। तो इसे ज़रूर बना कर पिएं। अब हम अगले हर्बल टी की तरफ चलते हैं, मिंट टी। मिंट टी, मिंट के सारे गुणों से तो आप लोग सभी परिचित ही हैं, बहुत ही इसमें गुणकारी है। अब हम बनाते हैं, जब हमको रिफ्रेश होना होता है तो मैं हर्बल ये टी ज़रूर बना के पीती हूँ। तो इस तरह से हम ले लेंगे पानी और उसमें डाल देंगे ये पुदीने की पत्तियों को और अब हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे ही।
इस तरह से देखिए इसका ग्रीन कलर, तो वैसे ही मूड को फ्रेश कर देता है। और जब आप पियेंगे तो इसके टेस्ट को बखूबी टेस्ट कर पाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हम शुगर डाल देते हैं, अगर शुगर ना भी डालना चाहें तो ना डालें, थोड़ा सा डालेंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब एक मिनट और इसे हम पकने देते हैं और फिर इसे हम छान लेते हैं। ये रिफ्रेशिंग और कलर वाली टी जो है बनके तैयार है, हर्बल टी। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये सारी हर्बल टी की रेसिपी आपको कैसे लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।